ये जो पिछले 2 हफ्तों में दहशतगर्दों के फिर से नापाक इरादे जो हैं वो सामने आने शुरू हुए, हमारे पंच और सरपंच 2 जगह पे टारगेट किए गए। जिस तरह के नापाक जो हरकतें जो बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने की, उनकी जान लेने की इनकी है, कड़ी निंदा करते हैं और सब जगह से इनकी निंदा हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो उनके हैंडलर्स हैं वो इनको बार बार पुश कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान करें। कहीं ग्रेनेड फेंका, श्रीनगर में उस दिन ग्रेनेड हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, 1 बच्ची मारी गई, उसमें बेगना लोगों की जान लेने का सिलसिला थम जाए, बंद हो जाए, इसलिए हमारी तरफ से जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हैं वो बराबर चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोई आधा दर्जन के करीब ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन जो है हो चुके हैं। कल रात का ऑपरेशन भी जो है उसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। ये 3 दहशतगर्द जो हैं, ये हमारे खोनमू के सरपंच शबीर अहमद भट्ट को मारा था इन्होंने, उसमें जो शामिल थे उनकी हत्या में। उससे पहले भी जो कुलगाम में वारदात हुई वहाँ भी सरपंच की हत्या की, उसमें सब लोग हमने पकड़ लिए हैं और उसके पीछे जो मेन दहशतगर्द उसको पहचान कर ली गई है, उसका भी पीछा किया जा रहा है। शोपियां में जो CRP के जवान को मारा उसमें भी पूरे का पूरा मॉड्यूल टेररिस्ट का पकड़ लिया गया है। इसी तरीके से आर्मी के जवान की जो हत्या हुई बड़गाम के अंदर चडूरा में, उसमें भी जो लोग शामिल थे उनको पकड़ लिया गया है और दहशतगर्द जो उसके पीछे उसकी पहचान हो गई है उसका भी जल्द सफाया होगा। इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे ताकि हमारे लोग अमन की फ़िज़ा में, अमन के माहौल में रह सकें और लोगों की जान का नुकसान जो पाकिस्तान के दहशतगर्द और पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर जहाँ के दहशतगर्द करते हैं उसको रोका जा सके। कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं, हर जगह पे सिक्योरिटी इंडिविजुअल तौर पे फरद फ्राम करना मुमकिन नहीं होता है। एरिया को सिक्योर करना, एरिया की सिक्योरिटी के अच्छे माहौल को जो अच्छा माहौल पैदा करना, उसके लिए कोशिशें सब जगह पर रहती हैं और जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंसीज की रिपोर्ट होती है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सर, नौजवानों के लिए आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं जिक्र कर रहा था अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने पुलिस की तरफ से शूना आसमान का कार्यक्रम किया, जहाँ की बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इतना बेहतरीन टैलेंट उनके अंदर हम लोगों ने पाया कि जहाँ की बच्ची समृद्धि सिंह फर्स्ट आई अपनी एज ग्रुप के अंदर, जहाँ की और भी बच्चियाँ गई थी उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से जहाँ जिक्र कर रहे थे कि कुछ एक बच्ची जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, बाजू नहीं है, उसको आर्टिफिशियल जो लिम्स होते हैं वो लगाए गए और अब वो बच्ची पैरालंपिक्स की तैयारी कर रही है। इस तरह की बहुत सी मिसालें जहाँ पर पहले क्रिकेट में बहुत अच्छा जो लोग करने वाले उनकी मिसालें हमारे कमेंटेटर दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि नौजवान बच्चों के लिए बहुत सारे मौके हैं जिनका फ़ायदा उठाना चाहिए और गलत रास्तों के ऊपर चलना नहीं चाहिए। अगर को है तो उनको गलत रास्ता तर्क करना चाहिए। सर, मोहम्मद अमीन और जहांगीर सुरेश जो काफ़ी सालों से अभी भी जो है यहाँ मतलब एक्टिव है, पुलिस को अभी तक जो है उसकी कोई भी इनपुट्स नहीं है, क्या वजह है कि एजेंसी जो है अभी तक फेल हो रही है? देखिए, एजेंसीज काम कर रही हैं, जहाँ पर जो उसने पौधे नए लगाए थे उनकी साख्त राशि काफ़ी पहले हो चुकी है, मगर वो खुद अभी तक जिंदा है, खुद बचा हुआ है। मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त नहीं है, हर किसी का वक्त ऊपर वाला तय करता है, मगर हमारी तरफ से कोशिशें जारी।